अच्छा देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आकर के हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है, जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है, वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए, उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या ने कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। आज एक नई बात कहना चाहते हैं आपसे, आज आपसे बात करना चाहते हैं कि विधानसभा का कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष हुआ करते हैं, माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारें वही बोलेगा, और उसके बाद जब आरक्षण की बात खत्म हो गई थी, दूसरा बिल आया नामांकन का, तो नामांकन में हमको उन्होंने पुकारा, हम उठ करके अपनी बात कहना शुरू किया। इसी समय नीतीश कुमार आगे आ गए, टपक गए। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था नीतीश कुमार जी को रोकना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं, जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। ये बात की दुख है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आज लगता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना सारा निर्णय दे रहे हैं और हरकत कर रहे हैं, जो इस जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए घातक है। और इसीलिए आज विशेष मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तो दोषी है ही हैं, मुख्यमंत्री से कम दोषी हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं हैं, जो शेड्यूल कास्ट की बात को सुनना नहीं चाहे, सुनाना नहीं चाहे। हम क्या कह रहे थे, वो लोग कहना चाहते हैं कि आरक्षण का बिल का हम लोग विरोध करते हैं, कतई नहीं। हमारे एनडीए के साथी लोग बढ़ चढ़ करके ये कहा कि हम समर्थन नहीं बल्कि सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाए, और बाद में उन्होंने घोषणा की। तो जहां तक आरक्षण का सवाल था उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं थी, हम सिर्फ यही कह रहे थे आरक्षण का क्वांटम आप बढ़ा दीजिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था जब संविधान में आरक्षण की बात आई थी तो, कि 10 वर्षों के बाद उसकी समीक्षा हो। हम नीतीश कुमार से यही जानना चाहा, आप कम से कम 15-18 वर्ष में, और 15 वर्ष पहले आपके बड़े भाई ने जो शासन किया, कितने दलितों को उन्होंने आरक्षण दिया है, कितना बैकलॉग है, इसके बारे में कुछ सोचा महोदय? तो उसी प्रकार से ये 20% न कर दें या 25% कर दें, उससे कोई फायदा नहीं है। हम उदाहरण साइट किया कि 1971 से यहाँ पर रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर का मतलब होता है कि 16% तक शेड्यूल कास्ट के नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आज जानते हैं, दुख कहते हुए हो रहा है, हम तो समझते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज 73-74 वर्ष संविधान लागू हुए हो गया, और जो रोस्टर लागू की बात आती है तो उधर 71 में हुआ, तो कहने का मतलब है कि 29 वर्ष उधर हुआ और 23 वर्ष इधर हुआ, तो कम से कम 40-50 वर्षों का अवधि में कितना प्रतिनिधित्व है? प्रतिनिधित्व है 3.7। आप जोड़िए 16% प्रतिनिधित्व देने में कितना साल लगेगा, यही हम उनको कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसकी समीक्षा कीजिए।
याद है हमको 1955-56 के आसपास में मुंगेरी लाल जी के अध्यक्षता में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को तजवीज करने के लिए आयोग बना था। उस समय कहा गया था कि 7% आरक्षण मात्र मिला है और बाकी बैकलॉग है। आज मैं समझता हूं कि 7% से भी कम है हमारा प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट का। आप समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके बैकलॉग पूरा कीजिए, तब बढ़ाने की बात आप करते हैं, स्वागत योग है। इसलिए आप बढ़ाए हैं तो ठीक है, लेकिन आप समीक्षा कीजिए। इसी पर मुख्यमंत्री बहुत बहुत अनाप शनाप बोले जो आपके सामने कल हमने कहा है। यहाँ पर सदन के कस्टोडियन होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी को, एक सदस्य को, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए था कि ये तथ्य परक बात हो रही है, उलूल जुलूल की बात जीतन मांझी नहीं कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा साइलेंट रहिए, इनकी बात को सुनिए। वो सुनाने में कोई रुचि नहीं ली, इसलिए मैं समझता हूँ ये जो आज चल रही है बात, चाहे महिलाओं का अपमान का मामला हो या आरक्षण में जो अभी बैकलॉग है उसका मामला हो, इसके चलते हम लोग समझ